to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा फैसला ले लिया है। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती ने बड़ा और अहम फैसला लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। इसी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ समय से आकाश आनंद चुनाव प्रचार से दूर थे। आपको बता दें कि एक चुनावी जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने भाजपा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर उन पर केस भी दर्ज हुआ था। तभी से आकाश आनंद चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे थे, उनकी चुनावी जनसभाएं भी रद्द कर दी गई थी। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि बसपा में अंदरखाने से कुछ चल रहा है। ये भी खबर सामने आई थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही आकाश आनंद को चुनाव प्रचार से दूर कर दिया था। आखिरकार किस वजह से मायावती ने वापस ले लिया आकाश आनंद से बड़ी जिम्मेदारी? आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद से दोनों जिम्मेदारियां वापस लेने का कारण परिपक्वता बताया है। उन्होंने कहा है कि जब तक आकाश आनंद परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी उनमें नहीं आ जाती है, तब तक वह इन जिम्मेदारियों पर नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये भी है कि बसपा सुप्रीमो ने हमेशा के लिए आकाश आनंद से ये जिम्मेदारी वापस नहीं ली है। मायावती ने फिलहाल नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद पहले की तरह आकाश आनंद के पिता और अपने भाई आनंद कुमार को दे दिया है। बता दें कि खुद मायावती ने सोशल मीडिया पर अपने इस फैसले की जानकारी दी है। बता दें कि अपने सोशल मीडिया पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय कांसी राम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी इन्हें दोनों अहम जिम्मेदारी से अलग किया जा रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने फैसला लेते हुए कहा है, जबकि पिता से आनंद कुमार पार्टी मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले ही तरह निभाते रहे हैं, अंततः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी मूवमेंट के हित में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। बाकी जिस तरीके से मायावती ने अपने ही भतीजे को हटा दिया है, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।